फरुखाबाद में एक बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। यहां साधु की वेशभूषा में पहुंचे बदमाश ने बच्चे का अपहरण कर लिया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अलियापुर में रहने वाले गोपाल दिवाकर मजदूर है और मजदूरी के तहत घर परिवार की रोजी रोटी चलाता है। गोपाल गन्ने के खेत की सिंचाई कर रहा था, उसी दौरान बीहड़ इलाके से पीले वस्त्र पहने चार साधुओं को गुजरते हुए देखा। साधुओं के पास एक मासूम बच्चा भी था जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष होगी। बच्चा रो रहा था। साधु के वेश में अपहरणकर्ता बच्चे को पीले कपड़े में लपेटकर तेज कदमों से जा रहे थे। यह नजारा देख मजदूर दहशत में आ गया और उसने गाँव में जाकर पूरी घटना की सूचना दी। सूचना के बाद ग्रामीणों का भारी हुजूम मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से संभावित स्थान पर खेत खलियानों और बाग बगीचों में आरोपियों की खोज की। हमारा नाम सुमित कुमार प्रधान। अच्छा, इसे क्रॉसिंग क्या हो गया, क्या मामला था? मामला ये है कि यहाँ एक बच्चे को पकड़े हैं, चार बाबा हैं, संजू प्रधान ने देखा है और चारों तरफ आदमी लगे हुए हैं, पकड़े हैं। अब फोर्स भी आ रहा है। कोई बच्चा साथ में था? हाँ? कोई बच्चा है साथ? बच्चा में है, लड़की के टेप भी लगाए हुए। लड़की है? लड़की ये तो अभी नहीं देखा इतनी दूर से। क्या ये तो कम 5 आदमी है भी यहाँ? यहाँ चारों तरफ घेरे। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी, आ रही पुलिस। कितनी देर पहले? काफी देर हो गई, पुलिस आ रही है। ये आज सुबह PRV पर 9:05 पर एक सूचना मिली थी। एक व्यक्ति गोपाल जो सरसा थाना नवाबगंज का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा देखा गया है कि कुछ बाबा लोगों के द्वारा एक बच्चे को खेत की तरफ भेजा गया था, जैसा उसने बताया। जैसे सूचना प्राप्त हुई ड्रोन से, साथ ही साथ हमारे 3 थानों की पुलिस और क्षेत्र अधिकारी मौके पहुंचे और वहां पर पूरे एरिया को कॉम्बिंग करवाया गया है और अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अभी भी लगातार वहाँ पे हमारी ड्रोन से कॉम्बिंग जारी है और हो सकता है कि एक पूरी अफवाह है और मैं इसके अंदर अभी हम लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और ऐसा अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया है कि जिसमें कि ऐसी कोई बात हो जिसमें कि किसी बच्चे को किसी बाबा के द्वारा लेकर ले जाया गया हो। और लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ इस तरह की जो अफवाहें चल रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दें, ना ही इस तरह की अफवाहें फैलाएं। जो भी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि अब तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग तो नहीं लगा है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।